नमस्कार दोस्तों, विराट कोहली ने बताया है आईपीएल में आरसीबी की नाकामी की वजह, डिविलियर्स को ठहराया है जिम्मेदार। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप विराट कोहली को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि आरसीबी आईपीएल 2020 की चैंपियन बने, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम एक भी बार आईपीएल का खिताब जीतने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। इस टीम में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और डेल स्टेन जैसे शीर्ष स्तरीय खिलाड़ी है, फिर भी टीम एक भी बार आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा नहीं कर सकी है। हर साल इस टीम के फैंस को उम्मीद होती है कि इस साल टीम जीत जाएगी, लेकिन हर बार फैंस को निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन इस बार टीम फैंस का उत्साह बढ़ाने के लिए तैयार थी। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल का आयोजन होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। विराट कोहली ने हाल ही में बताया कि आखिर उनकी टीम कभी आईपीएल क्यों नहीं जीत पाई। दरअसल हाल ही में विराट कोहली और केविन पीटरसन के बीच इंस्टाग्राम पर लाइव चैटिंग हुई थी। इस दौरान विराट कोहली ने आईपीएल और अपनी टीम से जुड़े कई खुलासे किए। विराट कोहली ने कहा कि जब आपके पास बड़े खिलाड़ी होते हैं तो सबका ध्यान आपकी तरह ही रहता है, इस वजह से अतिरिक्त दबाव होता है। हम 3 बार फाइनल में पहुंचे लेकिन एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाए। हम 3 बार सेमीफाइनल में पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत सके, इसका कोई मतलब नहीं है। वास्तव में हम आईपीएल जीतने के लायक है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना।